नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.4 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 8.4 में पहला प्रश्न है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें लिखा है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है ना। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम साइन ए को लिख लेते हैं, यहां शुरू करते हैं। देखिए साइन ए को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जो त्रिकोणमिति में जो तीन महत्वपूर्ण सर्व समीकाएं हैं उनको पहले उसको याद होना जरूरी है। तो देखिए पहले लिख लेते हैं हम सर्व समीकाएं। तो पहला सर्व समीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक। फिर दूसरा है वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। और थर्ड है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना। और इसके अंतर्गत और भी कुछ सूत्र हैं इसमें, जो जरूरत पड़ेगा उसको लिख लेते हैं। देखिए टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। और इसी प्रकार अगर कॉट ए का निकालें तो कॉस ए बटे साइन ए, है ना। टेन का उल्टा कॉट होता है तो साइन बटे कॉस का कॉस बटे साइन हो गया। फिर साइन को लिखना चाहें तो होता है एक बटे कॉसेक ए, और या तो कॉसेक ए बराबर एक बटे साइन ए, ठीक ना। और फिर कॉस का लिखते हैं तो कॉस ए बराबर एक बटे सेक ए, या सेक ए बराबर एक बटे कॉस ए, है ना। फिर एक लिखते हैं टेन का हो गया। टेन का फिर इसमें भी होता है टेन ए बराबर एक बटे कॉट ए, या कॉट ए बराबर एक बटे टेन ए, ठीक ना। ये कुछ सूत्र हैं जो इनका उपयोग पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले इधर हमको इसका मतलब होता है कि साइन इस तरफ होना चाहिए और उधर कॉट होना चाहिए। तो हम इन तीन त्रिकोणमिति ये सर्व समीकरणों में देखेंगे कि हमको जो भी इसमें यूज करना हो इसमें इनको देखकर इसकी मदद से इसमें देखें कौन सी सर्व समीका लगेगी। देखिए हमको इधर साइन चाहिए, ठीक ना, और इधर कॉट चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको लगाऊं इस वाले सर्व समीका को लिखूं तो देखिए कौशिक लिखा हुआ है एक तरफ, तो कौशिक का व्युत्क्रम करेंगे तो साइन आ जाएगा, और इधर ये कॉट लिखा हुआ है, ठीक ना। तो हम इस सर्व समीका को यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे सर्व समीका से। तो देखिए पहली तीसरी सर्व समीका उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। देखिए हमको इधर कॉट तो मिल रहा है, इधर अभी कॉसेक है, तो हम जानते हैं कौशिक का व्युत्क्रम होता है, देखिए साइन होता है, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एक बटे साइन स्क्वायर ए बराबर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब हमको एक बटे साइन तो चाहिए नहीं, हमको साइन चाहिए, तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो ये भी आपस में उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ये बटे एक है, मैं इसको एक बटे साइन स्क्वायर है तो मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए बटे एक, एक लिखने जरूरत नहीं, तो ये भी उलट जाएगा, तो जाएगा एक बटे एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। अब हमको इधर साइन चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर इस पर देंगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा। तो लिखेंगे साइन ए बराबर
करनी में, ठीक ना, ये वर्ग है तो यहाँ वर्ग है तो वर्गमूल बनेगा, तो एक बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें आया साइन ए बराबर, देखिए एक का वर्गमूल एक की होता है इसलिए ये एक वर्गमूल से बाहर चला जाएगा। अब देखिए इसका कोई नहीं बनना तो ये करनी इसके ऊपर रह जाएगा, तो एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इस तरफ साइन आ गया और इस तरफ कॉट आ गया, तो इस प्रकार पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं, दूसरे भाग में हमको इधर सेक चाहिए और इधर हमको कॉट चाहिए, ठीक ना। तो हम ये सर्वसमिका का प्रयोग कर लें तो देखिए सेक एक तरफ तो मिल गया और इधर टेन का व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉट भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे सर्वसमिका से तो ये है सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक ना। सेक नहीं चाहिए हमको ये, और इधर वर्ग है इसको हमको वर्ग इस केवल सेक ए चाहिए, तो ये वर्ग इस पर वर्गमूल बन जाएगा और टेन का कॉट लिख लेते हैं पहले। सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस टेन का हम ले सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। तो अब इधर इसको लघुत्तम ले लेंगे तो जाएगा कॉट स्क्वायर ए एक कम कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, है ना। इसका गुणा इसमें करते हैं प्लस ये वन, अब पूरे के बटे अब कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये हो गया। अब इस पर वर्ग इस पर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर। देखिए ये लिखा है सेक ए और जब इसका वर्ग लगाएंगे इस पर तो वर्गमूल बनेगा, तो लिखते हैं ये करनी में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक ए बराबर, देखिए करनी में ये है तो ये करनी के अंदर रह जाएगा ये वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटे देखिए वर्ग एक था वर्ग था तो करनी के ये कॉट बाहर चलाएगा, ये हो गया कॉट ए। तो इस प्रकार से के इधर कॉट ए इधर मिल गया, तो ये हो गया दूसरा हो गया। अब तीसरा चाहिए था टेन का कॉट चाहिए था, ठीक ना। तो ये लिखा इधर टेन हमको चाहिए और इधर कॉट चाहिए, ठीक ना। तो देखिए टेन ए बराबर एक बटे कॉट ए होता ही है, ठीक ना, टेन बराबर एक बटे कॉट ए होता ही है, तो ये हो गया इधर टेन और इधर कॉट आ गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर एक हल हो। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं, लिखा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, है ना। तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे देखिए हमको क्या करना है, इधर साइन ए लिखना है तो इधर हमको सेक ए प्राप्त हो, फिर इधर अगर कॉस है तो हमको इधर सेक प्राप्त होना चाहिए, फिर थर्ड में है देखिए इधर टेन होना चाहिए, ठीक ना, तो इधर हमको सेक ए प्राप्त होना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार चौथा, अगर यहाँ पे कौशिक है तो हमको इधर सेक प्राप्त होना चाहिए, है ना, कौशिक को भी सेक के पदों में व्यक्त करना है हमको, फिर यहाँ पर सेक है तो सेक ए, इसको पदों में कोई व्यक्त करने की जरूरत ही नहीं है इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। अब पांचवा में देखिए टेन का कॉट ए है, तो कॉट है तो इसको सेक ए में बदलना है, ठीक ना। इस प्रकार ये पांच भाग इसके बन गए। तो पहले भाग को शुरू करते हैं, तो देखिए पहला भाग में है, देखिए पहला क्या है, साइन ए इधर होना चाहिए और सेक ए इधर होना चाहिए, ठीक ना। हमको कोई भी सर्वसमिका अनुपात देखिए, अगर पहला देखें तो साइन इधर है, कॉस को उधर पक्षांतर करके व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉस का सेक में बदल जाएगा। इस प्रकार ये पहली सर्वसमिका इसमें लगा सकते हैं, तो लिखते हैं सर्वसमिका से, तो पहली सर्वसमिका लगाते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, ये हमको इधर साइन चाहिए तो इस कॉस को पक्षांतर कर देते हैं, तो लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, पक्षांतर कर दिया उस तरफ।
अब देखिए साइन है और इधर कॉस है, हमको सेक चाहिए तो कॉस का व्युत्क्रम कर देते हैं। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस वन बटे सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, कॉस का सेक में बदल गया। तो देखिए इधर भी सेक आना शुरू कर दिया। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए एक कम, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक, ठीक ना, इसका गुणा इसमें करके माइनस वन, पूरा ऐसे लिख लिया है ना, जैसे यहाँ पे लिखा होता है दो माइनस एक बटे तीन लिखा हो तो इसका लघुत्तम या हल करते हैं तो तीन दूनी छः माइनस एक बटे तीन लिखते हैं। तो यही इसमें भी यही काम कर रहे हैं, सेक स्क्वायर ए एक कम सेक स्क्वायर ए माइनस वन, है ना, तीन दूनी छः माइनस वन, अब पूरे के बटे तीन, तो हम भी यहाँ पूरे के बटे सेक स्क्वायर ए लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए हमको यहाँ वर्ग नहीं चाहिए, हमको केवल साइन चाहिए, तो हम इस वर्ग को हटाते हैं तो ये हो जाएगा वर्ग है तो इस पर हो जाएगा वर्गमूल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटे सेक स्क्वायर ए हो गया। अब इसका साइन ए बराबर, देखिए ये ऊपर करनी रह जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस एक, मगर इसमें वर्ग है तो है ना सेक स्क्वायर ए है तो करनी से बाहर हो जाएगा तो जाएगा सेक ए हो जाएगा। देखिए पहला प्राप्त हो गया, इधर साइन और इधर सेक हो गया, ठीक ना। अब इसी प्रकार दूसरा भाग देखते हैं, तो यही देख लेते हैं, हाँ दूसरा में देखिए लिखा है कॉस और इधर सेक चाहिए हमको, कॉस इधर और सेक इधर। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला ही होता है, ये देखिए ये लिखा है कॉस का एक बटे साइन सेक, तो इस प्रकार ये कॉस ए इधर लिखा बराबर एक बटे सेक ए हो गया, ये हल हो गया, ठीक ना। और फिर थर्ड देखते हैं, तो लिखते हैं यार टेन इधर चाहिए और सेक इधर चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें इधर ये दूसरी सबसमिका, टेन इधर भी है सेक इधर भी है, तो इसका हो जाएगा सर्वसमिका से, तो लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तो हमको केवल टेन चाहिए तो वन उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो लिखेंगे टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और ये वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो गया टेन ए बराबर वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो देखिए तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं अब, तो चौथे में है देखिए, ये पहला था है ना, ये दूसरा है और ये तीसरा हो गया, ठीक ना। और चौथा देखते हैं, ये चौथा हमको इधर कॉसेक ए चाहिए और इधर सेक ए चाहिए, ठीक ना। तो अगर इसकी मदद ले लें तो साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा और कॉस का व्युत्क्रम कर देंगे तो सेक हो जाएगा, तो ये वाला कर लेते हैं। तो लिखते हैं सर्व समीका से तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब साइन का लिख सकते हैं कॉसेक, तो लिख लिया कॉस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस, इसको भी सेक लिख सकते हैं तो लिख लिया सेक स्क्वायर ए लिख लिया, ठीक ना। अब इसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं, पहले लिखेंगे वो एक बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक पूरे के बटे सेक स्क्वायर ए, ठीक ना। इसका लघुत्तम ले लिया माइनस वन पूरे के बटे सेक स्क्वायर ए, अब एक बटे कॉस है तो उसको उलट देंगे तो ये जगह कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, तो इधर का भी उलट जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे
sec स्क्वायर a माइनस वन, वर्ग का उस पर वर्गमूल लगा देंगे तो ये हो जाएगा cos a वर्गमूल sec स्क्वायर a बटे sec स्क्वायर a माइनस वन, तो ये हो जाएगा cos a, ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा तो जाएगा sec a बटे करनी में sec स्क्वायर a माइनस वन, तो ये चौथा भी हो गया। तो ये आ गया आपका, ठीक ना, इधर cosec और उधर sec हो गया, एक बचा है cot और sec पर बचा है, ठीक ना। तो ये वाला मिटा लेते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा पांचवा, ये चाहिए हमको, इधर cot a चाहिए और इधर sec a चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ये वाला सब समकल लगा लेंगे, इधर tan है तो cot हो जाएगा, sec वो मिल जाएगा, तो लिखते हैं सर्व समीका से, तो लिखते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए हो गया, वन उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए माइनस वन, और इसका टेन नहीं चाहिए हमको, cot चाहिए तो एक बटे कर लेते हैं, तो एक बटे cot स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए माइनस वन। अब क्या हमको इसको दोनों को ऊपर नीचे करेंगे तो जाएगा cot a, है ना, cot स्क्वायर a बराबर एक बटे sec स्क्वायर a माइनस एक, आइए वर्ग इस पर वर्गमूल लगा देंगे तो ये हो जाएगा cot a बराबर, देखिए एक का वर्गमूल एक ही होता है इसलिए ऐसे लिखा और करनी में sec स्क्वायर a माइनस वन हो गया। तो इस प्रकार ये पांचों भाग हो गए। ठीक ना, तो अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। अब प्रश्न नंबर तीन है, तो देखिए प्रश्न नंबर तीन का पहला है साइन स्क्वायर तिरसठ प्लस साइन स्क्वायर सत्ताईस बटे कॉस स्क्वायर सत्रह प्लस कॉस स्क्वायर तिहत्तर डिग्री, है ना। तो इसको बदल लेते हैं, देखिए इसमें लगा सकते हैं, देखिए तिरसठ और सत्ताईस को जोड़ेंगे तो नब्बे आ जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो हम किसी को साइन को कॉस में किसी को भी बदल सकते हैं। देखिए इसको हम बदल लेते हैं, यहाँ साइन को कॉस में बदल लेंगे, देखिए कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर तिरसठ प्लस साइन स्क्वायर नब्बे माइनस तिरसठ, है ना, इसको कर ले चाहे इसको करें चाहे उसको करें किसी को बदल सकते हैं, बटे और इसमें इसको बदल लेते हैं, देखिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर नब्बे माइनस तिहत्तर, है ना, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये नब्बे डिग्री आ रहे हैं, तो ये लिख लिया प्लस कॉस स्क्वायर तिहत्तर, ठीक ना, चाहे जिसको भी बदल सकते हैं, ये हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला यूज में आता है, ये हो जाएगा साइन, देखिए 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए ये लिखा साइन स्क्वायर तिरसठ प्लस साइन 90 माइनस ए है, यहाँ ए के स्थान पर तिरसठ है तो साइन का ये कॉस ए हो जाएगा, तो लिखते हैं कॉस स्क्वायर तिरसठ डिग्री बटे ये कॉस का, देखिए कॉस का साइन में बदल जाएगा, लिखेंगे साइन स्क्वायर तिहत्तर प्लस कॉस स्क्वायर तिहत्तर डिग्री, ठीक ना। अब देखिए ये पहली सर्वसमिका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, मतलब दोनों अगर थीटा का मान सेम हो तो एक आता है, देखिए यहाँ पे भी थीटा का मान तिरसठ है और साइन स्क्वायर तिरसठ प्लस कॉस स्क्वायर तिरसठ बराबर एक, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर तिहत्तर प्लस कॉस स्क्वायर तिहत्तर, थीटा भी यहाँ भी सेम है तो इसका मान एक और इसका मान भी एक हो जाएगा, तो इसमें लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है,
तो हमने लगा लिया। तो इस प्रकार ये इसका मान एक हो जाएगा और इसका मान एक हो जाएगा, इसका मान एक आ गया, ठीक ना। और सेकेंड भाग में देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखा है साइन 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ठीक ना। तो इसको बदल लेंगे। देखिए साइन, या तो कॉस को साइन बदल लीजिए या साइन को कॉस में बदल लीजिए, ठीक ना। तो इसको बदल लेते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। तो देखिए साइन 25 डिग्री लिखा हुआ है, इसको मैं बदल लूँ कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, है ना। 65 को मैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, प्लस ये हो गया। देखिए कॉस 25 लिखा हुआ है, इसको मैं बदल लेता हूँ तो साइन 90 माइनस 25 डिग्री लिख लेता हूँ, ठीक ना। तो ये हो जाएगा साइन 25 और कॉस को ले सकते हैं कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। तो यहाँ लिख लूँ साइन 25 डिग्री प्लस ये कॉस 25 लिखा हुआ है और साइन का ये कॉस 25 हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला लगाए हैं तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ये हमने लगा लिया है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर साइन 25 साइन 25, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो अब देखिए सेम मान है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो ए का मान सेम, मतलब 25 25 ही है, तो ये एक हो जाएगा। और क्यों, तो सरसमिका से होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, तो इसका मान देखिए एक आ गया, ठीक ना। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए 4 में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, है ना। बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न में है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक ना। तो इसको हल करना है, इसमें विकल्प दे रखा है a बराबर 1, b बराबर 9, c बराबर 8 और d बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक ना। इसको हल करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा साइन 9 और देखिए sec स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये जो लिखा है माइनस 9 टेन स्क्वायर ए लिख लिया। अब 9 का दोनों पदों में गुणा कर लेंगे तो जगह 9 एक कम 9 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए हो गया। तो देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल हो गया, तो ये आया 9। तो इस प्रकार बी वाला विकल्प सही है। फिर सेकंड में देखते हैं क्या है। लिखा है इसमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और लिखा है यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना। तो देखिए इसको ना साइन और कॉस में बदल लेंगे। जैसे लिखा है 1 प्लस टेन का क्या होता है साइन बटे कॉस होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन बटे कॉस और सेक का होता है 1 बटे कॉस, है ना। सेक का होता है 1 बटे कॉस, तो लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा। फिर यहाँ लिखेंगे देखिए कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है कॉस बटे साइन, तो लिखेंगे कॉस बटे साइन और कॉसेक का होता है 1 बटे साइन थीटा।
इस प्रकार इसको लिख लिया। अब देखिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखिए तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसका गुणा इसमें सीधे, इसका गुणा इसमें सीधे कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस, ये हो गया साइन थीटा प्लस वन। देखिए इसके बटे में ही कॉस कॉस हैं, तो जिसके इसको ऐसे ही लिख लिया जाता है यहाँ पर साइन थीटा प्लस वन। तो ये हो गया, इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसका गुणा इसमें सीधे कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये हो गया माइनस वन, ठीक ना। अब देखिए इसमें, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक कोष्टक में डाल लेते हैं और ये प्लस वन है, ठीक ना। इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, है ना, ऐसे लिख लिए। और एक गुणे में है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए इसको पूरा एक्स मानिए, इसको वाई, इसको पूरा एक्स और इसको वाई, है ना। ये रहा एक्स, ये पूरा एक्स ले लिया और ये प्लस ये वाई, इसी प्रकार ये पूरा एक्स और ये माइनस वाई। तो देखिए एक कोष्टक में अगर एक्स प्लस वाई है और एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई है तो क्या सूत्र लगेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक ना। इसको यहीं लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसको लिख लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस ये वन है तो वन का स्क्वायर कर लेते हैं, बटे ये है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर। अब देखिए एक्स प्लस वाई की घात दो का फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई के घात दो का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये वाई, तो ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो इस पर ओपन करते हैं इसको, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू एक्स वाई, टू एक्स वाई टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो जगह टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो माइनस वन है वन का वन, तो माइनस वन लिखेंगे, बटे जैसा है वैसे लिख लेते हैं यहाँ पर, तो जगह साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए ये सब समीका हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक हो गई, और ये हो गया टू साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस वन, और ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक ना। यहाँ सब समीका लगाया तो हमने लिख देते हैं हम यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक लगाया हमने, है ना। तो देखिए ये एक एक कट गया, क्या बच गया इसमें, टू साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा बचा, ठीक ना। तो साइन साइन से कैंसिल, कॉस कॉस से कैंसिल, टू बचा, ठीक ना। तो इसका विकल्प कौन सा है, दो, सी वाला सही हो गया, तो इसमें सी वाला विकल्प सही हो गया, ठीक ना। तो ये दो हो गया। तीसरा भाग देखते हैं इसका, थर्ड नंबर, थर्ड में लिखा है सेक ए प्लस टेन ए फिर वन माइनस साइन ए, है ना। तो इसको करना है, देखिए कैसे करते हैं इसको, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं, ठीक ना। तो एक सेक है तो एक बटे कॉस ए हो जाएगा, और टेन है तो साइन बटे कॉस हो जाएगा, साइन बटे कॉस हो गया, और ये हो गया वन माइनस साइन ए, ठीक ना। देखिए इनका लघुत्तम कॉस ए ही हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस ए, और नीचे हर बराबर है तो ऊपर वाला ही ऐसे लिख लिया जाता है, तो ये हमने लिख लिया, और एक कोष्टक में यहाँ वन माइनस
साइन ए लिखा हुआ है, तो ये लिख लिया। अब देखिए एक कोष्टक में दोनों चीज एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ लगा लेते हैं, देखिए ये यक्स है ये वाई है, ये यक्स है ये वाई है, तो लिखेंगे एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटे कॉस ए लिख सकते हैं। एक का एक हो जाएगा, साइन का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटे कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक सर्वसंख्या लगेगी, जैसे पहली सर्वसंख्या मालूम है हमको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, तो हमको कॉस स्क्वायर ए का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको उधर हम पक्षांतर कर देंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ये देखिए रखा है, इसको इसके स्थान पर हम कॉस स्क्वायर यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक ना। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कि कॉस ए है ना, दो बार लिखा हुआ है, तो ये एक बार इससे कट जाएगा तो केवल यहाँ कॉस ए बच जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, कॉस ए के लिए डी वाला विकल्प सही है, तो ये रहा डी का विकल्प सही है, ठीक ना। अब एक अंतिम भाग बचा है, चौथा बचा है, उसको भी कर लेते हैं, देखिए यहीं पे कर लेते हैं, छोटा ही है, यह है चौथा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। तो इसको देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए का सर्वसंख्या है सेक स्क्वायर ए, यहाँ ले सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटे, देखिए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का है कॉस स्क्वायर ए, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए सेक और कॉसेक को साइन और कॉस में लिख देते हैं, तो सेक का हो जाएगा एक बटे कॉस स्क्वायर ए, अब मेन बटा ये है, अब कॉसेक को लिख सकते हैं एक बटे साइन स्क्वायर ए, है ना। अब क्या करेंगे, बाहर बाहर गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक कम साइन स्क्वायर ए बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो इसको ले सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, अब पूरे के घात दो, है ना, दोनों पे घात लगा है तो इसलिए एक बार लिख लिया, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन ए होता है, तो अब इसको ले सकते हैं टेन स्क्वायर ए, ठीक ना। तो इसका विकल्प कौन सा है, चौथा डी है, टेन स्क्वायर ए, तो डी वाला सही हो गया, ठीक ना। तो इस पर प्रश्न नंबर चार समाप्त हो